हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन, सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं तो मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, कौन सा लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं, किन किन स्टॉक में नजर रखेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ट्रेंडिंग हो गया कंटिन्यू, और मैं सुबह सुबह अपना व्यू शेयर किया था आप लोगों से, और कल भी मैं बात किया था कि देखिए मार्केट अगर ऊपर जाए, इस लेवल के पास जाए, रिवर्स करके भी ऊपर जाए तो हम टॉप से शॉर्ट कर सकते हैं, वो लेवल हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। बट मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे आ गया। ये सपोर्ट लाइन था, मैंने ड्रा करके रखा था 30,900 से 800 का, ये बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। रिवर्स हुआ यहाँ से तो मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, यहाँ पर साइडवेज हुआ। तो मैंने शेयर किया आप लोगों से कि मार्केट को ऊपर जाने दीजिए 31,000 के आसपास, फिर हम लोग कोई कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉल लिया था, मैंने शॉर्ट भी किया, लेकिन ये स्पाइक आया ऊपर की तरफ और मेरा एसएल कटा। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखिए मैंने ये दोनों पेयर बनाया था और मुझे लॉस हुआ 13,000 का, 8,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे पेयर में, ठीक है। तो जैसे एक मैं दो लॉट था तो मेरे पास एक लॉट में 2,500 का रिस्क रहता है, एवरीडे आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो मुझे दो लॉट में 5,000 का लॉस हुआ। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू हुआ, मैं लोअर बॉटम पे एक कॉल और शॉर्ट किया, लेकिन इसमें कन्विक्शन नहीं था मेरा, मैं इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट किया यहाँ पर। मैं देख रहा था कि मार्केट एक बार उछाल मारे, बट मार्केट उछाल नहीं मारा, कंटिन्यू ट्रेड हो गया, तो छोटे क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया। मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कहा था दोस्तों कि बस इसमें बाइंग का ट्रेड नहीं है, जो भी ट्रेड है शॉर्ट का ट्रेड है, बट ऊपर जाए तो ऊपर से शॉर्ट करें हमारे लिए अच्छा है। मार्केट ट्रेंडिंग हुआ और बिल्कुल बॉटम पे जाके क्लोज किया है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब मेरा एसएल लगा, फिर मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ा और फिर आईसीआईसीआई बैंक और एशियन बैंक में हम लोग ट्रेड लिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, आप लोगों को भी मैंने दिया था। तो अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बॉटम पे जाके क्लोज किया है, कंटिन्यू हो सकता है लोअर साइड में। हाँ, थोड़ा मोड़ा रिवर्सल मिले तो रिवर्सल में अगेन शॉर्ट ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डेली चार्ट इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अब हम लोग रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं अपर साइड के लिए, कि अगर मार्केट रिवर्स करता है तो इस भाव के आसपास जाके अगेन शॉर्ट होगा, मतलब 30,800-900 यहाँ से जाएगा मार्केट और शॉर्ट होगा। तो गलती से कल मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए तो बाइंग अवॉइड है, लेकिन टॉप के लेवल से शॉर्ट करेंगे। हाँ, बट इतना ध्यान रखना है कि कंटिन्यू टॉप से नीचे आए मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, ठीक है, जिन लोग सेल किए हैं अगर उन लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी होगा, मंथली एक्सपायरी होगा, वॉलेटाइल होगा मार्केट, नजर रखिएगा। तो कल का दिन थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, दोनों साइड मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेगा, और लोअर साइड के लिए हम लोग देखिए यही लाइन इसका एक सपोर्ट है जहां पे आके क्लोज किया है। तो कल कैसे ट्रेड हो सकता है इसे आप अब छोटे टाइम फ्रेम में आके हम इसे समझते हैं। पहली बात दोस्तों, अगर मार्केट इस भाव के नीचे ओपन होता है, ठीक है, 30,350 के बिलो ओपन होता है और ये लोअर साइड ब्रेक डाउन करता है 170-150 के नीचे, तो एक कंटिन्यू शॉर्ट होगा और डाउन साइड में अगेन हमें 29,800 के आसपास आते हुए नजर आ सकता है, ठीक है, लोअर साइड में। और ये फर्स्ट हाफ में ही गिरावट दिखाएगा अगर ये लोअर साइड ओपन हुआ तो। दूसरा, अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो जैसे मैं समझता हूँ कि मार्केट एक बार रिवर्स करने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि जिन्होंने भी शॉर्ट किया है उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब सपोज करो दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ओपन हो, ठीक है, 32,350, 60 या 400 जो भी, तो मार्केट एक बार रिवर्स अपर साइड ये जरूर करने की कोशिश करेगा, वो 600-700 के आसपास। बट अगर टॉप से कोई बेयरिश कैंडल बनता है या बेयरिश पैटर्न बनता है, ठीक है, तो हम लोग टॉप से शॉर्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस भाव से बाइंग नहीं है। हाँ, गैप डाउन ओपन होगा तो हमें जरूर बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक डाउन करता है, पहले हाफ में ओपन होके लोअर साइड ब्रेक डाउन करता है 30,160-30,150 के बिलो, तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि एसएल थोड़ा बड़ा है, 30,330 के आसपास का एसएल बनेगा, ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा और कम से कम 250-300 पॉइंट का गिरावट हम देख सकते हैं लोअर साइड में, राइट। अच्छा, अब जैसे हम लोग बात किए दोस्तों कि अगर 30,350-60 के ऊपर, 400 के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे, लेकिन टॉप के लेवल पे इस आसपास में इसे दो जगह से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। एक तो यहाँ से बनेगा 700 के आसपास से, या दूसरा 850-60 के आसपास से शॉर्ट बनेगा। अगर यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो लाइव में मैं अपडेट देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर पैटर्न बनता है जिसमें हम शॉर्ट कर सकें, तो उस कंडीशन में टॉप से हम ऊपर का कोई कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फिर
एक्सपायरी है तो ऊपर से हम लोग कोई पुट भी बाइंग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट कोई बेयरिश कैंडल बना तो 600-700 में आप नजर रखिएगा, वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, उसमें अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि इस लो तक आ सकता है, ठीक है। तो इसे आप नजर रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन में कहाँ तक ओपन होने की एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सपोज करो कि मार्केट में 250-300 पॉइंट की गैप डाउन दिखाई देता है, ठीक है। मतलब इसमें गैप डाउन दोस्तों 29,800-29,900 जो ये सपोर्ट का कैंडल है, हाई है, इस आसपास में अगर ओपन होता है तो यहाँ से रिवर्स ये जरूर कर सकता है और यहाँ तक कहाँ तक 700 तक रिवर्स कर सकता है, 30,700 के आसपास तक। तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और उसका भी सिनेरियो मैं समझाता हूँ आपको, 5 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है। अगर पहला कैंडल रेड बनता है, ग्रीन बनता है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल को जाने देना है तो लो का एसएल रख के हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स स्पीड में करेगा अपर साइड में, ठीक है। एटलीस्ट इस भाव तक तो जरूर आने की कोशिश करेगा 300 के आसपास। तो अगर 250-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी तो कॉल में नजर रखें, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से पुट में नजर रखें, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। साइडवेज रहेगा ऐसा उम्मीद कल के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों ये हुआ बैंक निफ्टी का, ठीक है। अच्छा एक बात और भी मैंने आप लोगों को पिछले एक दो दिन के वीडियो में शेयर किया था कि देखिए इस रैली में केवल बायर पैसा कमाया है, सेलर को भी चांस मिलेगा। सो मार्केट सेलर को चांस दे रहा है और डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट किए थे दोस्तों ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के आसपास मार्केट आना चाहिए। मुझे लगता है ये भाव मार्केट जल्दी ही देखेगा 29,000 के आसपास का, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट इसे मिल सकता है। तो वेट करिए कल कैसा पैटर्न बनता है, फिर उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। लेवल को आपको ध्यान रखना है, जबरदस्ती बेवजह का ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों देखिए ट्रेंड कंटिन्यू रहा और बैंक निफ्टी से ज्यादा ट्रेंडिंग निफ्टी रहा, ठीक है। तो अब निफ्टी भी लोअर साइड में कंटिन्यू मूव कर रहा है और इसके लिए जो सपोर्ट लाइन है दोस्तों लोअर साइड में सपोर्ट है 13,780 का, ठीक है। ये भाव इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है ये भाव हमें जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। तो अगर लोअर साइड में कल देखिए इसका भी सिनेरियो सेम है, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो जैसे हम लोग निफ्टी में बात की इस रेंज में अगर ओपन होता है फिर हमें देखना है ऊपर जाता है नीचे जाता है। नीचे जाएगा तो शॉर्ट होगा और यहाँ से शॉर्ट होगा तो क्वांटिटी कम रखना है और यहाँ पे एसएल रखना पड़ेगा 13,990 का। शॉर्ट बनेगा 13,940 के बिलो और इसमें ट्रेड बनना चाहिए लोअर साइड में 13,800 के आसपास तक का। तो गिरावट भी अच्छा खासा है, लगभग 120-130 पॉइंट का भी गिरावट देखने को मिल सकता है अगर लोअर साइड जाए तो, ठीक है। लेकिन ये अगर होगा तो फर्स्ट हाफ में होगा। दूसरा अगर सपोज करो कि गैप डाउन ओपन हो जाता है 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है 13,770-800 के आसपास मिलता है तो एक कैंडल वेट करना है, पहले कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल जाए 5 मिनट के चार्ट में तो हम बाइंग कर सकते हैं और इस क्लोजिंग तक का आज के क्लोजिंग के भाव तक का टारगेट हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन अगर मार्केट 14,000 के ऊपर जाता है तो ध्यान रखिएगा इसमें भी दो लेवल से सेल का ट्रेड बनेगा, एक तो यहाँ से सेल का ट्रेड बनेगा, ठीक है, 14,100 के आसपास से सेल का ट्रेड बनेगा, या फिर अगर मार्केट और कंटिन्यू हो जाता है तो टॉप से सेल का ट्रेड बनेगा, मतलब 50 पॉइंट और 14,150 के आसपास से, बट इसमें बनेगा सेल, इस लेवल से बाइंग का ट्रेड नहीं है, बाइंग बनेगा तो बॉटम से बनेगा। तो पहले मार्केट को अगर यहाँ पर ओपन होता है तो पहले ऊपर जाने दे, कोई बेयरिश कैंडल बनने दे, फिर टॉप के लेवल से हम शॉर्ट कर सकते हैं। टॉप से शॉर्ट करें तो सिंगल कैंडल का एसएल रखें, जो बेयरिश कैंडल बनता है उसका एसएल, और वहां से शॉर्ट का ट्रेड लें। अगर वो एसएल कट जाता है तो, क्योंकि मार्केट अगर आपका एसएल कटा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ है, तो मार्केट ऊपर और जाएगा तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ तो बैंक निफ्टी ऊपर गया नहीं नीचे आ गया, कोई बात नहीं, हमसे गलतियां हो सकती हैं क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, बट एक ही गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अगर ऊपर जाता है, ठीक है, इस भाव के आसपास ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो फिर हमें इस कैंडल के बिलो शॉर्ट करना है, हाई का एसएल लगा देना है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट होगा एक्सपायरी डे के वजह से
वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा रहेगा, तो मुझे लगता है अपर साइड में 14,150-60 के आसपास इसमें शॉर्ट का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, अच्छा ट्रेड बनेगा, नजर रखिएगा। बॉटम की तरफ रहे तो यहाँ से हम लोग कॉल बाइंग कर सकते हैं, और टॉप की तरफ से रहे तो फिर हम लोग यहाँ से 14,150 या फिर 14,200 का ऊपर का पुट बाइंग करेंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टॉक में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बेहतरीन स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, मुझे लगता है एक गिरावट देने वाला है, अगर एक कल नहीं गिरा तो परसों गिरेगा, लेकिन एक गिरेगा, ठीक है। और जैसे मैं अक्सर बोल रहा था इस स्टॉक के लिए कि डाउन साइड में 1600 की तरफ देख सकते हैं, ये अच्छे स्टॉक हैं, आने वाले दिनों में अच्छे लेवल में मिलेंगे। दोस्तों हमें अपने शेयर जो बाइंग किए हैं उसमें एक्युमुलेट कर लेना है, लोअर साइड में ऐड कर लेना है, या फ्रेश भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा नीचे जाने दिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नजर रखिए, देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है और पहली बार बॉटम पे जाके क्लोज किया है, आज भी मेरे रडार पे था लेकिन ये गिरा नहीं। मैंने आप लोगों को लेवल दिया था इसको 1890 के बिलो अगर ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा गिरावट आएगा, लेकिन ये लास्ट मिनट में गिरावट आया, कल इसे नजर रखते हैं। अगर फर्स्ट मॉर्निंग में गिरावट दिखाता है तो फिर बड़ा फॉल दिखा सकता है, और इसका लो 1850-60 की तरफ हम देख सकते हैं कल के लिए, और एक कंटिन्यू फॉल में रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। अगर संभल जाता है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट करेंगे नहीं, लेकिन ये पैटर्न में आता है तो जरूर हम कल शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका लेवल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा दोस्तों, अगर हमारे पैटर्न में आता है तो, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एशियन पेंट दोस्तों देखिए इस स्टॉक में आज भी हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, और देखिए एक बार स्टॉक क्या ऊपर गया, मैंने देखा यहाँ पर संभल नहीं रहा है, ये इन साइड पैटर्न बन रहा है, जैसे मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ इन साइड पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, मुझे लगा कि लोअर साइड ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग ऊपर से शॉर्ट कर लिए और अच्छे बिल्कुल लास्ट में हम लोग कवर किए इनसे 45 के आसपास मैंने कवर किया है, एटलीस्ट अगर आप इसमें देखें तो 45 पॉइंट के आसपास का हमारा ट्रेड रहा। कल दोस्तों अगेन ये शॉर्ट का ट्रेड दिखा सकता है 2430 के बिलो, और 2400 तक का हमें टारगेट मिलना चाहिए। डाउन साइड में आएगा इधर, अच्छा शेयर है दोस्तों लोअर साइड में आए, अगर ये 2200-2300 के आसपास मिले तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बाइंग करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ICICI बैंक, आज भी इसमें ट्रेड मिला है हमें और अच्छा ट्रेड मिला है, कल अगेन इसमें ट्रेड मिल सकता है। देखिए आर्ली चार्ट में इनसाइड हुआ है, इंस्टेंट गिरावट दिखाएगा 519 के बिलो, और 519 के बिलो मुझे लगता है इसमें टारगेट, पहला टारगेट 514-510 की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ICICI बैंक नजर रखिए, इसे भी टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा मॉर्निंग में, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिए। ICICI बैंक दोस्तों देखिए ये स्टॉक, जैसे आज HDFC बैंक गिरा है, देखिए ये बेहतरीन गिरा, अपने सपोर्ट को तोड़ के स्पीड में गिरा है, और लगभग 30 पॉइंट की गिरावट है, 14 से शॉर्ट था, मैं लगातार आप लोगों को बता रहा था इसके बारे में। तो कल देखिए ऐसा ही सेम पैटर्न बना के नीचे की तरफ क्लोज किया हुआ है, अगर ये ब्रेक डाउन दिखाता है 627 के बिलो तो फिर इसमें टारगेट हमें पहला टारगेट 615 और फिर 610 की तरफ देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा इन स्टॉक में कल के दिन पे। बंधन बैंक दोस्तों देखिए मुझे लगता है एक दो दिन में फिर से एक बड़ा गिरावट दिखाने की तैयारी कर रहा है, और डाउन साइड में 280 की तरफ आने की कोशिश करेगा, 300 के आसपास है, राउंड फिगर के आसपास है, तो जैसे ब्रेक डाउन करता है हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, नजर रखिएगा बंधन बैंक में। M&M सेम पैटर्न बनाया है, जैसे HDFC बैंक के बारे में हम लोग देखे, एक्सिस बैंक के बारे में देखे, M&M भी सेम पैटर्न बनाया हुआ है, अगर एक गिरावट दिखा रहे दोस्तों देखिए थोड़ा देर में गिरावट आए, इन साइड पैटर्न बना के गिरावट आए आर्ली चार्ट में, फिर बहुत जोरदार गिरेगा, मतलब 763 के बिलो जाता है तो 750-740 का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं M&M में, नजर रखिएगा कल। HCL टेक सेम पैटर्न बनाए दोस्तों, अगर आप इसे देखें तो बंधन बैंक के जैसे, तो जैसे ब्रेक डाउन दिखाता है बहुत सुंदर गिरावट आएगा, एक बड़ा गिरावट फिर हॉल्ट हुआ है, और हॉल्ट करने के बाद एक गिरावट दिखाएगा तो डाउन साइड में, देखिए एक दिन पहले भी हमें बहुत अच्छा ट्रेड देखे गया था, ठीक है, अगेन ये हमें बड़ा ट्रेड देने की तैयारी कर रहा है, 910 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, मतलब 30 पॉइंट का 940 के बिलो शॉर्ट हो सकता है, नजर रखिएगा। साथ में दोस्तों naukri.com, अगर मौका मिला तो ट्रेड बहुत खूबसूरत देगा, लेकिन इसे ट्रेड करना है आपको, अगर मेरे पैटर्न में आया सुबह सुबह तो अपडेट जरूर करूंगा, लेकिन आपको लेवल बता देता हूँ ट्रेड कैसे होगा दोस्तों, 4677 के बिलो शॉर्ट होगा, और ऐसे रखना है इस छोटे वाले कैंडल का, आर्ली चार्ट का, ठीक है, हाई का ऐसे रखना है, मॉर्निंग में ही गिरावट आएगा इसे नजर रखेगा, और 9:15-16 में ही नजर रखे, स्पीड में गिरेगा और 100-150 पॉइंट गिरता है एक दो कैंडल में, इसके बाद शांति स्वरूप खड़ा हो जाता है, ऐसे गिरता है तो नजर रखेगा, इसमें एक बड़ा ट्रेड का कैंडिडेट हो सकता है, 100 क्वांटिटी भी 50 क्वांटिटी भी ट्रेड करें तो बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा, तो कल आप इसमें नजर रखेगा, अच्छा ट्रेड का कैंडिडेट हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।